वेलकम टू आवर डे 8 ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। आज की जो प्रैक्टिस है दैट इज रिलेटेड टू फूड। यस, जो फूड हम खाते हैं दिन में हम ऑलमोस्ट 3 टाइम तो हमारा मील होता ही होता है, राइट? आज की प्रैक्टिस में आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है टूवर्ड्स योर फूड। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, जैसे ही एटलीस्ट आई वुड से आज की जो प्रैक्टिस है वो आप स्टार्ट कीजिए विद योर 3 मील्स, जो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं और डिनर लेते हैं, ठीक है? अगर आप ये ऑलरेडी करते हैं बहुत अच्छी बात है, देन आप क्या कर सकते हैं, आप इनको बाकी की और चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप नहीं करते हैं, देन यू विल हैव टू स्टार्ट विद 3 मील। और आपको उसमें करना क्या है, जब भी आप मील अपना लेते हैं, बिकॉज यू नो यू आर सो फॉर्चुनेट, यू आर सो ग्रेटफुल कि आपके पास खाना खाने के लिए है, यू नो यू हैव रिसोर्सेज अवेलेबल, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। यू नो बहुत सारे से लोग हैं अनफॉर्चुनेटली जिनको खाना नहीं मिलता है, यू नो एक एक दो दो दिन उन लोगों को खाना नहीं मिलता है, बट यू आर सो ग्रेटफुल। आपको वो थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को कि आपको इतना लकी बनाया, आपको इतना रिसोर्सफुल बनाया कि आपके पास 3 टाइम का खाना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपना ब्रेकफास्ट आपके पास आता है, बिफोर यू हैव योर फर्स्ट यू नो मील, आपको थैंक यू बोलना है जिसको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स को, गॉड को, एंजल्स को, किसी भी भगवान को पर्टिकुलरली, तो आपको उनको थैंक यू बोलना है। लुक एट योर फूड, अपने खाने को देखिए, एंड देन उसके बाद से जैसे हम बच्चों ने प्रेयर करते थे ना, ऐसे ही आपको प्रेयर करनी है, लेकिन आपको उसमें थैंक यू बोलना है। एंड आपको कुछ भी बोलना है, मैं आपको अपना बताती हूँ जो मैं बोलती हूँ। आई सिंपली से थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी दिस फूड, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव दिस फूड, थैंक यू। ये मैं बोलती हूँ, बाकी आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आप इसमें एफर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए आपके सामने खाना है एंड आपने खाने को देखा, यू नो, एंड देन उसके बाद बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस यू नो मैजिकल फूड, थैंक यू सो मच, यू नो दिस फूड इज़ मेकिंग मी हेल्दी। आप ये एफर्मेशन भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जो भी खाएंगे वो खाना आपको यू नो लगेगा, वो खाना आपको हेल्दी बनाएगा, यू नो आपका प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। सो इन अ वे आप कोई भी प्रेयर, इससे ज़्यादा लंबी भी प्रेयर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही एफर्मेशन बोलनी है, आप कुछ भी बोलें, लेकिन द पर्पस ऑफ दिस प्रैक्टिस इज कि आपको अपने फूड को ब्लेस करके खाना है। एंड ये वाला जो प्रैक्टिस है ये मैजिक बुक का नहीं है, दिस इज माई प्रैक्टिस, जो जैसे मैंने आपको इनिशियल में बताया था इनिशियली कि 28 डेज में जो हम प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगी ग्रैटिट्यूड की, वो रिलेटेड टू मैजिक बुक भी होगी और कुछ जो मेरी प्रैक्टिसेस हैं जो मैं करती हूँ वो भी होंगी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको तीनों टाइम जब भी आप अपना मील करेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उससे पहले अपने फूड को ब्लेस करना है बाय पेइंग ग्रैटिट्यूड। एंड वो ग्रैटिट्यूड आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी दिस फूड इज मेकिंग मी हेल्दी, दिस फूड इज यू नो लाइक या दैट्स इट। सो यस, ऐसे आपको करना है, ऐसे ही आपको रोज करना है। ये जो प्रैक्टिस है, देखिए बेसिकली प्रैक्टिस सिर्फ आज की है, अगर मैं आपको आज के हिसाब से बोलूँ तो दिस इज ओनली फॉर 1 डे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको हर दिन करें। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे यू नो, उतना ही आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस आएगा। सो इस प्रैक्टिस को कीजिए, तीनों टाइम खाने को जब भी आप खाएं ब्लेस कीजिए, एंड देन देखिए कैसे वो खाना आपको डाइजेस्ट होता है, कैसे वो खाना आपको एक हेल्दी बॉडी देता है, एंड कैसे आपको एनर्जी मिलती है उस फूड से। सो आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मुझे लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ लवली डे, बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए हैप्पी मेंटल स्टेइंग, बाय बाय।